कनाडा वह मुल्क जो अब ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना मुल्क हो, और लगे भी क्यों ना। सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां हर साल वहां जाते हैं। भीड़ लगी पड़ी है पंजाबियों की, लाखों कमाते हैं। पर इस चमकते सिक्के का एक पहलू तो सबने देखा है और सब दिखाते भी हैं, पर दूसरे धुंधले तबाह हुए, अंग्रेजी में कहें तो डार्क पहलू की कोई बात ही नहीं करता। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले ही बता देते हैं कि कई लोगों को ये बातें बहुत खटकेंगी, पर फिर भी अगर सुन सकते हो तो जरूर सुने कि कैसे पढ़ाई के लिए तो कनाडा नाममात्र पंजाबी ही जाते हैं, सब कमाई करने जाते हैं। पर कमाई कैसे करते हैं, क्या धंधे करते हैं और कितना कुछ। और ये कहना गलत ना होगा कि कनाडा हमारे पंजाब को खाता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप भी सुने ये तमाम बातें। आज के समय में हर नौजवान का सपना है कनाडा जाना। अब जो बातें हम कहेंगे शायद किसी मुल्क से वो वास्ता रखती हूँ, पर अकेले कनाडा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाबी सबसे ज़्यादा वहीं जाने के लिए उतावले रहते हैं। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए माँ बाप भी ज़मीनें बेचते हैं, कर्ज उठाते हैं और पता नहीं क्या क्या। और इसके पीछे कई कारण हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे कनाडा सेटल हो जाएं। पहले तो एजेंट्स की तरफ से ही कनाडा में सुनहरी भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। कनाडा जाके स्टडी करो, काम करो, लाखों की कमाई करो और पता नहीं क्या क्या। इतनी कमाई की बात करते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और अब यहाँ बात यह है कि ये कमाई होगी कैसे, उसके बारे में लोग भूल जाते हैं। हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ कनाडा जा तो रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, पर पैसे कमाने के लिए वो क्या पापड़ बेलते हैं, कौन से जायज नाजायज धंधे करते हैं, इसके बारे में किसी को इल्म तक नहीं होता। अगर बात करें कनाडा में नौजवान लड़के लड़कियां नशीली दवाइयों का धंधा भी करते हैं। और तो और लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी समलैंगिकता का पेशा अपना चुकी हैं। और तो और कई लड़कियों ने इजी मनी का सोचकर जिस्म फरोशी का धंधा अपना लिया है। कनाडा की सड़कों गलियों से लेकर मसाज पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। यहाँ पर एक और कारण भी है जो ये सब जानने के बावजूद नौजवान लड़के लड़कियों को वहाँ धकेलता है, और वह है हमारी सरकारें। आप खुद सोचें कि एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, पढ़ाई के लिए पैसे लगाए गए हैं और अब नौकरी करके कमाने थे, और यहाँ पर नौकरियां ही नहीं है। सरकार के दावे ही देख लें कि पढ़े लिखे नौजवानों को प्राइवेट दफ्तरों में 7-8 हज़ार की नौकरी दी जा रही है। आप खुद ही सोच लें कि BBA, MBA और हाई डिग्री होल्डर्स कैसे ये नौकरियां कर सकते हैं, इसीलिए तो बाहर को भागते हैं। इसलिए कनाडा की सरकार में भी पंजाबियों की चढ़ाई नए भ्रम पैदा करती है। जैसे अभी कनाडा के चुनाव में 18 पंजाबी मूल के सांसद चुने गए हैं। अब यहाँ हम सोचते हैं कि हम ही कनाडा जा रहे हैं, पर कनाडा भी प्रचार करता है कि नौजवानों को वहाँ शिक्षा के लिए बुलाया जाए। पर सच्चाई तो ये है कि ना तो हम कनाडा पढ़ने जाते हैं और ना ही कनाडा की सरकार नौजवानों को पढ़ने के लिए बुलाती है, बल्कि कनाडा हमें उन कामों के लिए बुलाता है जो वहाँ के लोग करना ही नहीं चाहते, जैसे ट्रक ड्राइवर, सफाई मुलाजम, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले नौजवान, खेतों में काम करने वाले नौजवान, घरेलू नौकर और बहुत छोटी मोटी नौकरियां। कनाडा जहां पंजाब से बड़ी गिनती में नौजवानों को बुला के अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, इसके साथ ही वह पंजाब की पूंजी भी लूट रहा है और पंजाब को कंगाल बना रहा है, क्योंकि पंजाब से कनाडा जा रहे विद्यार्थी 30-40 लाख की फीस भर रहे हैं। बहुत से नौजवानों और एजेंट्स को पता है कि शिक्षा तो सिर्फ बहाना है, ये तो वीजा लगवाने का महज साधन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां नौजवान दाखिला लेते हैं वे फर्जी हैं, वहां पर उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। और जो यूनिवर्सिटीज असल में वहां पर हैं, वहां पंजाबी विद्यार्थियों से कनाडा के विद्यार्थियों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फीस वसूली जाती है। कई लड़के लड़कियां फीस न भर पाने की वजह से गलत धंधे अपना लेते हैं, और वो बेचारे करे भी तो क्या करें, घर से प्रेशर जो है खर्चे निकालने होते हैं, और इस तरह कई लड़के लड़कियां डिप्रेशन और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और अब यहाँ ये बात भी सही है कि कई पंजाबियों ने सही काम करके भी अपना नाम बनाया है, उच्च पदों पर आसीन है, पर वो मुट्ठी भर ही है। बाकियों के लिए तो कह लो कि कनाडा मीठी जेल है। कई बेचारे तो ना पैसे के मारे रह सकते हैं और ना ही छोड़ने को दिल करता है। कनाडा के ये दोनों पक्ष अब आपके सामने हैं, और आखिरी फैसला तो आप लोगों को ही करना है कि क्या सही है और क्या गलत। कनाडा के बारे में आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी
इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हिंदी।